रुद्राक्ष भी अगर आप लेकर आ रहे हो उसको संभाल कर रखो, बन सके पानी का प्रयोग, अगर बीमार हो तो पानी का प्रयोग करो, ना हो तो बच्चों के गले में डाल दो, बड़ों के गले में डाल दो, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को पहनना प्रारंभ करो। जैसे हो, कोई कहे कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई कहे हम मरे में चले जाते हैं, कोई कहे हम इसमें चले जाते हैं, तो क्या रुद्राक्ष बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, वो तुम्हारा पिता है और तुम उसकी औलाद हो। छोटा सा बच्चा गोदी में गंदगी कर देता है तो क्या माँ 25 बार नहाती है? इतनी माताएं बैठी हैं, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में गंदगी कर देता है तो आप नहाते हो क्या? 25 बार नहाते हो क्या? बच्चे की गंदगी साफ करते हो तो 25 बार नहाते हो क्या? नहीं, माता पिता को बच्चे की गंदगी साफ करने के छुआछूत नहीं लगता। और मेरे महादेव को जो शमशान में रहने वाला है उसकी औलाद तुम हो, तुमसे वो छुआछूत नहीं करता, बस तुम्हारे गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो, लाल धागे में डला हो, भगवत भजन के लिए अंत समय में कहीं विपदा की घड़ी आए, कहीं दुख की घड़ी आए, जब कष्ट की घड़ी आए और तुम्हारे पास अगर रुद्राक्ष है उसको केवल हाथ में पकड़ना और दिल से इस हाथ को हृदय से टच करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं कितने भी जंगल में खड़े हो उसको याद करना, मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। वो शिव है, ओघड़ी है, वो साधारण नहीं, वो शिव है।